हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि स्लैब कैसे बनती है। पहले तो स्लैब की सेटिंग कैसे होती है वो देखिए। ये देखिए, ये एक स्लैब है, ठीक है। और ये बीम का सेटिंग लगा हुआ है। ये बीम की साइड है, ये बीम का बॉटम है, ये भी एक बीम है, ठीक है। देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि ये बीम का साइड, बॉटम और स्लैब कैसे लगता है पूरा कैलकुलेशन के साथ। इसकी ड्राइंग अभी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे साइड मेकिंग होता है और कैसे उसके ऊपर स्लैब की सेटिंग लगती है। देखिए फ्रेंड्स, यही वो ड्राइंग है, लिफ्ट मशीन रूम। इसमें देखिए, यही हम आपको दिखाए हैं कि साइड पे कि इसकी शटरिंग कैसे लगी हुई है। ये जो 2B7, 2B8, 2B9, 2B10, 2B1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये सारी बीमें हैं, ठीक है। 2SW5, 2SW7C ये सब एक कॉलम है और छोटा सियर वाला है। 7C और 7D जो कॉलम है, 2SW5 जो है वह है सियर वाला, ठीक। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसका लेवल क्या है। इस लेवल के अनुसार ही हम सेटिंग लगाते हैं। तो 2B1 जो है, 2B1 जो हमारा कॉलम है, बीम है, इसका हम लेवल देखते हैं। देखिए, ये हमारा शेड्यूल है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, बीम का नहीं दिया हुआ है, केवल स्लैब का दिया हुआ है। तो हम बीम देखेंगे दूसरे ड्राइंग में, वो है 2B1, देखते हैं कहाँ है। ये देखिए, शायद इसमें होगा, ये देखिए 2B1 है ना, 2B1। ये हमारी बीम जो है वो है 300x600 की, 300x600 की हमारी बीम है। 2B1, 2B2, 2B3 और 2B4 इसमें ही होगा, 2B4 देखिए, 2B5, 2B6, मतलब हमारी ये सारी, ये वाली लंबी बीम और ये वाली लंबी बीम 600 की है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीम का ही बॉटम लगाते हैं, उसके बाद ही स्लैब का जुगाड़ लगाते हैं। अब 2B1 जो है हमारा है 600 की बीम, और लेवल मेरा जो है वो इसमें दिया ही है। लेवल हमारा है प्लस, देखिए टॉप अप स्लैब 47.17, ठीक है। और हमको स्लैब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं प्लस 44.92 प्लस 47.175, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 47.175 माइनस 44.90, यानी कितना आया, 5, 7, 1 यानी 2 मीटर 175। हम जो बॉटम लगाएंगे इस बीम का, पहला बॉटम, ये जो बॉटम मेरा लगेगा, ये मान लो इतने एरिया का हमको स्लैब करना है, ठीक है। ये जो बॉटम लगा मेरा वो मिला 2 मीटर 175 पे, और ये नीचे वाले बीम का भी बॉटम हमने लगाया 2 मीटर 175 पे। इन दोनों का बॉटम हमने लगा दिया 2 मीटर 175 पे। इसके बाद हम देखेंगे इस बीम का और इस बीम का क्या बॉटम आता है, 2B7 और 2B10। चलिए वो भी देखते हैं। ये देखिए, 2B7 जो है वो है 250x600, मतलब इसका भी बॉटम जो है वो भी सेम आएगा। 2B8, 9, 10 देख लेते हैं। देखिए 8 और 9 भी वही है सेम, 10 भी वही है, मतलब सबका बॉटम जो है 2 मीटर 175 पे ही आना है। ये भी बीम सेम आया, ये भी बीम सेम आया, सारी बीम हमारी सेम हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉलम है वो कॉलम हम शो कर देते हैं। ये जो कॉलम है, यहाँ पे जो कॉलम है और ये कॉलम है, हो गया। अब हमारी बीम का बॉटम तो हो गया, अब हमें क्या करना है, स्लैब बीम का बॉटम हो गया, अब साइड हमें मेकिंग करना है। अब साइड तो लगाएंगे तभी तो उसके ऊपर स्लैब ठोकेंगे। अब क्या करेंगे, हम 2B1 को देखते हैं, 2B2 को, 2B3 को। 600 की बीम है, बॉटम लगा हुआ है,
ये बॉटम लगा हुआ है ठीक। अब इस पे जो साइड लगना है वो जो लगेगा ठीक है। अब इसमें बीम तो हमने देख लिया 2B1 600 की है, तो हमारा जो देखिए इनर पोर्शन है, इनर पोर्शन देखिए, इनर पोर्शन जो मेरा है उसमें स्लैब 2S1 2S2 2S2 आ रहा है, सबके इनर पोर्शन में ये एक स्लैब आ रहा है। तो हमारा बीम का जो इनर का साइड है ये वाला और ये वाला, ये जितना इनर का साइड है उसमें से हम स्लैब की थिकनेस को माइनस करेंगे, तो 600 का बीम है माइनस 175 ठीक है, 175 की ही आ रही है ना, 2S2 मतलब ये और ये, इन दोनों बीम में यहाँ का जो बॉटम होगा ये साइड जो होगा 2B2 2B3 का, उसमें से 175 माइनस होगा और इसमें से 150 क्योंकि इसमें 2S1 की स्लैब है और 2S1 की स्लैब 150 की है, मतलब पहले 175 और दूसरा 600 माइनस 150 ठीक है। तो 600 माइनस 150 जो हुआ वो भी नया 450, मतलब पहला बॉटम इसका लगेगा 450 का ठीक है, 450 का लगेगा। और इन दोनों बीम का इनर का जो साइड लगेगा वो लगेगा 425 और जो आउटर साइड का ये है ये सेम लग जाएगा, 600 का पर 600 की बीम है तो 600 का साइड लगेगा लेकिन 50 mm ऊपर बढ़ा देते हैं, 50 mm इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि 50 mm या 100 mm ऊपर बढ़ा देते हैं कि कंक्रीट करते वक्त कंक्रीट बाहर ना गिरे इसलिए, लेकिन हमारी जो कंक्रीट होगी बस 600 तक ही होगी, बस यही साइड मेकिंग होता है। अब जैसे 450 का ये साइड जो बनेगा उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एक साइड बना 450 का, 450 का ये साइड बना, इसमें क्या होता है ये एक रनर लगाते हैं, लकड़ी का गुटका होता है, ये होता है 40 mm का, 40 और 50 यानी 450 490 हमारी टोटल जो साइड बनेगी वो बनेगी 490 की। और हमारा बॉटम जो है यहाँ पे एक प्लाई लगी ही है तो ये हमारा रनर हो जाएगा 50, टोटल 50 हो जाएगा, 40 का रनर और 50 का प्लाई, 50 40